मदरहुड एक सफर है, हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर है। मीराज की मॉमी ओलंपिक्स के लिए तैयार, और ये पहला हर्डल। मुश्किलों के साथ मीरा ने क्रॉस किया, पर शायद नहीं, अर्जुन वापस बेड के नीचे घुस गया है। मीरा उसे निकाल रही है। मीरा अर्जुन को गोदी में लिए बाथरूम की ओर। अब उन्हें बड़ी बहन होने का नशन दिखाते हुए बाथरूम में किया कब्जा। अब वो किचन के मैदान में घुसते हुए पहुंच गई है छोले को तड़का मारने के लिए। मुंबई की बाइक की जोड़ी लुक्स को एक स्मार्टली इग्नोर करते हुए और प्रतिदेव फिल्समैन की तरह बाउंड्री के बाहर। उन्हें गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर कप्तान को फिल्समैन से लगा। उन्हें किस करती हुई बच्चों को कार में डालती हुई, और ये क्या मीरा पहुंच पाएगी अपने गोल तक? और ये यस 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 यस। Motherhood is a blessing thing. Relax. Continue to breathe deeply. And now slowly focus on your yoni. Yahi se to sab kuch shuru hota hai. This is where our little ones come from, and then for the rest of our lives, lovingly call us Mom. That's when shit gets real. Apni yoni ko shant rakhne ke liye, just buy these yoni crystals for 3,999 only. Well done, ladies. I hope you all are feeling good. Yeah? Anyone want to see? Hi. Hi. Are you a fellow GIP? GIP? Global International Parent? Oh yeah. कानपुर से शिफ्ट होने से पहले मेरी यही शर्त थी। I told my mom. क्या? मेरे बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे जहाँ सुपरस्टार आर्यन खन्ना का बेटा जाता है। Oh. I don't love that school. Hi, I'm Preeti. I'm Meera with an I. अरे, I'm Preeti with an I. Here you go. Matcha tea. Full of antioxidants. Nice class. Oh, तुमने योगा किया है पहले? हमारे कानपुर में तो बहुत अलग था. All these aunties trying to do Surya Namaskar. I too used to do yoga with Shilpa Shetty. Shilpa Shetty. We do it a little differently, हाँ babe. Mumbai is only so different. मैं तो हमेशा यहाँ के modeling के सपने देखती हूँ. Modeling? Really? Miss Kanpur. फिर तीन बच्चे. Wow. तीन बच्चे. अमायरा 12 साल की है, निखिल 10 साल का है, और माय लिटिल क्यूटी अर्जुन वो 4 साल का है। बिग एज डिफरेंस ना, हम उसे गलती से मिस्टेक बुलाते हैं। वैसे योर 4-year-old मस्ट बी विद माय निराकार। निराकार? शिव जी के कई नामों में से एक है। यू नो शेपलेस फॉर्मलेस निराकार। हेलो माचा की माचा नहीं ना अच्छा है। आई लाइक इट, इट्स वेरी नाइस। अच्छा सुन, हमारे सामने यू कैन जोक, पर वो जीआई मॉम्स के सामने मजाक ना करी। दे टेक पेरेंटिंग वेरी सीरियसली। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, यू नो द स्कूल इज फुल ऑफ पोटेंशियस। अगर मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट नहीं किया होता, आई वुड हैव नेवर पुट नीरू देयर। यू नो इफ इट वाज अप टू मी, आई वुड टोटली होम स्कूल नीरू। मैं चलूं? इट वाज लवली टू मीट यू बॉय। बच्चे आने से पहले मुझे कहीं जाना है, मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए जाना है। ओह, यंग एंड हिप मदर का रोल है। वैसे मीरा, अ लिटिल टिप, ये जो जीआई मॉम्स है ना, इनसे बच के रहना। दे ऑल टॉक्सिक बिचेस। सी यू, बाय बाय। हेलो मैम, किसी पेरेंट ने टिफिन में छोले भटूरे भेजे। व्हाट? यस मैम, छोले भटूरे। कॉल फॉर अ पीटीए मीटिंग राइट नाउ। मैडम जमता नहीं, आप किसी और को रख लो। क्यों? बहुत मच है। अरे अनमोल, ये मुंबई बाइज ना। अच्छा लिसन, आज रात अपना सामान खोल देना। हाँ, इतने दिन शिफ्ट हुए, तुम्हारा सामान वैसे की वैसे ही पड़ा है। बेबी काम में सेटल हो रहा हूँ यार। मैं मैनेज कर सकती हूँ, तुम क्यों नहीं? क्योंकि तुम सुपर मॉम हो। अच्छा, मैं कर्टन वाले से कर्टन ले लूंगी। ओह, गुड लक, लव यू। लव यू। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। दिस पेरेंट कमिटी वुड विश टू मीट यू इमीडिएटली। अभी? लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट
expect you in school at the earliest. Thank you. Thanks. अरे मैडम 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 ये पार्किंग नहीं है। मैम की गाड़ी आ रही है। अरे भैया मुझे अंदर जाना है पेरेंट्स। मैडम ये पार्किंग रिजर्व है। अरे किसके लिए, अभी तो मिड स्कूल है, जल्दी जाके मैडम आप हमारी नौकरी मैडम। अरे दो मिनट में आती हूँ ना। हाय इज दिस योर पार्किंग? बाहर विजिटर्स रजिस्टर के पेजेस खत्म है। क्यों? वो क्या है कि मैडम पेपर की रैशनिंग है स्कूल में। नो मैम वो भूल स्कूल की सिक्योरिटी में भूल की गुंजाइश है। नो मैम नहीं नहीं। और कोई भी एरा गैरा मेरी गाड़ी की पार्किंग में पार्किंग कैसे कर सकता है? एक्सक्यूज मी आई एम आल्सो पेरेंट। रियली? हाउ? जी मतलब आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन किसने दिया? वो ट्रांसफर केस था तो प्रिंसिपल एंड माय हस्बैंड आर कजिन्स। ऑब्वियसली नेपोटिज्म। गाड़ी हटाओ अभी। हटाना पड़ेगा क्या? बाद में डिस्कस करते हैं ना। मैसेज कर मुझे। हाय प्रीति। प्रीति प्रीति हाय। वाओ मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। नहीं मतलब तुम्हें प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर बुलाया होता तो तुम आज बच जाती। तुम्हें एजो ने बुलाया है। एजो? कौन एजो? स्कूल की मॉमजिला। मॉमजिला जैसे गॉडजिला। Bring that up, take that up. Everybody get to work. Make the green more green and the blue more blue. मतलब Godzilla ने पूरी शहर पे दहशत मचाई हुई है ना, वैसे ही AJ ने इस पूरे स्कूल में दहशत मचाई हुई है। Perfection is everything. WhatsApp mommy groups की बेताज बेगम, super mom की super mom. AJ कौन कौन लाए छोले भटूरे? Shit. तुम sorry बोल देना, ठीक है? Sorry बोल देना. Just sorry बोल देना, okay? ग्लूटेन बेब ग्लूटेन, इतना ऑयल तो मेरे बच्चे ने पूरी लाइफ में नहीं खाया होगा। ऑर्गेनिक तो है ना? हाय हाय अमीरा शर्मा। आपने मुझे बुलाया? यू नेपो मॉम यू। अभी तो मैंने आपको बताया था ना, वी आर अ ट्रांसफर केस। कितना ऑयल? तो ये बटूरे हैं, ऑयल तो होगा ही। पहले तो मैंने सोचा कि मैं समोसे दिलवा दूँ, फिर मुझे लगा कि छोले भटूरे इज ओनली बेटर। आर यू किडिंग मी? समोसे छोले भटूरे? तुम हमारे बच्चों को पॉइजन करने की कोशिश कर रही हो क्या? अरे मेरे तो छोले भटूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस थे, सब कहते थे मुझे 10-10 रुपए में स्टॉल लगाकर बेचने चाहिए। तो वही करना चाहिए था, 5-10 रुपए का स्टॉल लगाना चाहिए था और वही बेचना चाहिए था। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हियर वी फीड आवर किड्स फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स, डू यू अंडरस्टैंड? और बच्चे खा लेते। माइंड तो ट्रबल अलॉट। देखिए हम तो अभी अभी कानपुर से शिफ्ट हुए हैं और अचानक से ये लंच ड्यूटी का नोट आ गया और बल्क में छोले भटूरे आसानी से बन जाते हैं, तो मैंने बना ली। तुम अपनी कन्वीनियंस को हमारे बच्चों से आगे रखती हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये तो मुंबई है, मास थोड़ी ना है कि यहाँ की खुराक अलग होगी। ओहो मीरा तू समझ ही नहीं रही, बच्चे तो चटकारे लेके खाएंगे ही ना। पेरेंट्स का जॉब क्या है? उनके चटकारों को रोकना। Clearly, तुम हमारी GI community को समझी ही नहीं। You need classes, you need to learn. ये सब नहीं चलेगा। Classes और classes के बाद report to me. और मैं देखूंगी तुमने क्या सीखा है। Do you understand me? Do you understand? एक बार try तो कर लो ना। High profile school के टंटे, जो छोले भटूरे खा के हम बड़े हुए हैं, वो unhealthy। वो कहते हैं ना आजकल turmeric latte, वही हमारा हल्दी वाला दूध जो सदियों से पीते आ रहे हैं। बस उसमें ये चोचले नहीं है और उसके साथ बहुत सारी लाते। All thanks to this bitchwanti Ajo. I'm telling you Anu, ये मॉम नहीं मिलिट्री की जनरल है। मेरे बटूरे ऐसे उठा के दिखा रही थी जैसे CID का कोई सबूत हो। Really? I'll call you back, हाँ? निकी? फिर से punished? No mom, class होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए। बेकार है ये सब। मुझे वापस जाना है। I miss कानपुर। निकी तुम्हें पता है ना पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब यही तुम्हारा घर है। रोज ऐसे पनिश हो जाओगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा होगा, यही तो मैं चाहता हूँ। चलो अंदर। Chill.
How many times have I told you? Just get your zen on, babe. D. Zen hoke na ye empires nahi chalte. What's the emergency today? Aaj kaun sa PTA crime solve kar rahi hai jo? Pata nahi kuch oily chole bhature thi. Matlab maine apni board meeting isliye miss ki kyunki Ajo cannot handle a little oil. Fantastic. Iski to hum bhai. Oh, lag gayi class. Wo chole bhature ki recipe dena. Mere Vicky Timmy ko bade pasand hai. अनुजा जी तुम्हें डांटेगी नहीं? अनुजा जी बोलेगी तो जरूर डांटेगी. बोल. एजो. That's so cool. अच्छा सुन, इस स्कूल में ना प्रिंसिपल से ज्यादा एजो की चलती है. तो जो कहना आर्ग्यू मत कर बस. और ग्रुप में जो भी कहती है वो बस मान जा. कौन सा ग्रुप? एक्सक्यूज मी, सोबो मॉमीज, यूनाइटेड मदर्स, गिप मॉम्स? मुझे नहीं पता. हद हो गई यार. नो वंडर तुझे तो कुछ पता ही नहीं है. अच्छा डोंट वरी, मैं ऐड कर देती तुझे. मतलब वो एजो को बोल के. हाँ. अच्छा वो एजो सारे ग्रुप्स के एडमिन है? हाँ, सारी ग्रुप्स के एडमिन. हेलो जी. व्हाट इज दैट? पावर मॉम. वाओ. रियली वाओ. हाँ, इतना इंप्रेसिव करियर और बच्ची कैसे मैनेज करती हैं आप? यही सवाल तुम किसी मर्द से पूछती क्या? शायद नहीं. सॉरी. आई एम मीरा. मीरा विद एन आई. हाय. तुम ही वो छोले भटूरे मोमो ना? फिर से सॉरी. सॉरी. हाँ. नॉट एट ऑल. देयर अ हिट. क्या पता है वो कौन बैठा है? एम जो. बेबी ए जो. हाँ जी. हम कॉम फटने वाला है. You missed the PTA, Amrita. लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाउस हेल्प को नोट्स दे दूंगी. After all, शायस्ता को तो वही पालते हैं ना? जो, I had those छोले भटूरे. They were yum. और देखो तो कौन खा रहा है? मिंसा, drop it! How dare you? वो क्या है ना कि तुम PTA का कोई क्राइम सॉल्व कर रही थी. मैंने कहा बेचारी बच्ची, उसकी लाइफ में कुछ तो मसाला हो ना. Hey, absentee mom. तुम्हारी तरह मुझे अपने बच्चों को अनहेल्दी ट्रीट्स नहीं देने पड़ती उनसे ब्राउनी पॉइंट्स जीतने के लिए. एक्चुअली मैं भी तुमको समझ सकती हूँ कि तुम ये सब करती हो बिकॉज़ तुमको अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग चाहिए. नहीं, दिस इज लाइक टू मेक अप फॉर योर लैक ऑफ अचीवमेंट्स. परफेक्टली रेज किड्स बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. बट यू नो एनीथिंग अबाउट दैट ना? हाफ मॉम हाफ गर्लफ्रेंड तो सुनी थी. हाफ मॉम वो सास बहू के झगड़े ना, वो 20 साल पुरानी कहानी है. आज की जंग तो स्टे एट होम मॉम और वर्किंग मॉम के बीच में. तुमने वो लास्ट पीटीए में नहीं कहा था घर का खाना डू नॉट वेस्ट? अब बहुत बड़ा लेक्चर था. आई डिड नॉट रियली पे अटेंशन टू ऑल ऑफ इट. ऑब्वियसली, क्योंकि उसी पीटीए में मैंने ये भी कहा था कि हम अपने बच्चों को अनहेल्दी ऑयली फूड नहीं देते. ये जंग कब से चल रही है? अरे दया तो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट्स. एंड एजो, she was the topper, most likely to succeed. Wow. And she did. Joshi परिवार के नायाब से हीरे से शादी करके. और नम्रता ने अपने burning ambition से शादी करके. बच्चे पैदा करने का ख्याल तो तुम्हें बाद में आया ना? Like, was it an afterthought or a mistake? पता क्या है जो, actually मैं अपने आप को ना सिर्फ as a mom define नहीं करती. Unthankfully, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं. All studies show since आप इतनी पढ़ी लिखी हैं कि माँ ही बच्चे की प्राइमरी केयर गिवर होती है. Let's face it, CEO तो कोई भी बन सकता है. Motherhood is about raising decent human beings. अब हम 2020 में है ना ये जो, तुम 80s के हीरोइंस के जैसे बातें कर रही हो. हाँ, अब पेरेंट बनने के लिए ना अपने आप को खोना नहीं पड़ता. ओके, यू नो आई कैन बी अ गुड मदर एंड अ वर्किंग मदर. मैं सिर्फ एक गुड मॉम नहीं बनना चाहती. I'm a great mom. You? Mind your own motherhood. अरे मीरा, ये अगली बार से लंच ड्यूटी लगे ना तो यहाँ से ना खाना केटर करवा लेना. हेल्दी हैसल फ्री फूड. ओके, और इट्स नॉट जस्ट गुड, इट्स ग्रेट. बाप रे, वर्ल्ड वॉर 3. मॉम, आई हेट यू.
इसमें नया क्या है? आपने मेरी स्कर्ट हेम कर दी। क्लास की सारी लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया। That your mom is super कंजूस। एक साइज बड़ा लेके नेक्स्ट ईयर भी मुझे इसी में फिट कराओगी ना? I hate you. Excuse me, मैं जरा देख लेती हूँ। Bye. Bye bye. क्या हुआ? अच्छा नहीं, thank you. Bye. Come on, Anmol. मैं पूरा दिन स्कूल में थी, टाइम कहाँ मिला? अब मैं बच्चों को लेकर ऑडिशन जा रही हूँ। It will be fun. Mama, burgers, shakes. Yes, yes. We'll have the big burger and we'll give him all the lettuce. We'll have the happy meal and we'll give him all the vegetables. इससे authentic क्या होगा? High road mother. यही तो role है ना? So you got your own props. यही समझ लो. I'm sorry the auditions were till 4, but you can send us a video on phone. I'll do it. I know how to do it. अच्छा. What the hell were you thinking, Kunal? 5 crore रुपए से एक प्रोजेक्ट में उड़ा दिए? क्या नॉनसेंस है ये, कुनाल? सॉरी यार, नॉनसेंस ही हूँ मैं. अपनी सक्सेसफुल सीईओ वाइफ का अनसक्सेसफुल बने. मैं जानता हूँ अमृता, तुम्हें जताने की जरूरत नहीं. Don't be like this, Kunal. तुम ही तो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हो. लाइफ के हर फैसले हमने साथ मिलकर लिए. भूल जाओ, मैं हूं ना, संभाल लूंगी. I love you. Love you too. Cheers. Yes, Trisha. मैम, सुबह से एक औरत कॉल कर रही है. अपना नाम तक नहीं बता रही है, बस कह रही है कि she wants to talk to you. कौन है? वो कह रही है कि उसे शाहिस्ता के बारे में कुछ बात करनी है. और ले जाओ हमारे बच्चों को हमसे दूर. सोकर काटा हो गया है. मम्मी जी, इसे बढ़ावा मत दीजिए. पहले ही स्कूल में पनिश्ड रहता है. हाँ तो हमें भी तो पनिशमेंट ही मिली हुई है ना. कहाँ हमारे बच्चे इतनी दूर हमसे. अर्जुन बैड बॉय. कल बात कर लेंगे. Hey baby. Hi. सोचा तुम्हें खाना बनाने से छुट्टी दे दूँ. No way. No pizza. मैं अपने बच्चों को ग्लूटेन खिलाकर मारना नहीं चाहती. मम्मी मेंटली हो गई है. वैसे मॉम गॉट इन ट्रबल इन स्कूल. तुझे कैसे पता? एमजो ने बताया. एज आंटी की बेटी. पूरा फैमिली चुगल खो रहे हैं. बड़ी हंसी आ रही है. मेरे साथ भी शेयर करा. पता है तुम्हारे बेड के नीचे क्या मिला? Why were you in my room? Too much chocolate, हाँ अम्मू? Just let me be, mom. अनमोल, ये पिज्जा नहीं खाया जाएगा. I'll make something healthy. Ma'am, could you look here once? Thank you. Just give me a minute. Yasmin, get my bags, please. I just need to make one call. He's running late. No, Shilpa. Sorry about that. Hi. Where have you been? I was stuck with some work. Where are the kids? Just this one, thank you. We've gone to sleep, Tarun. It's late. Okay. Jasmine, mera bag mila. Are you ready? Yeah, where do you want me? Sure, just. Okay. Ma'am, just chin down a bit. Yeah. Okay. Sir, can you look here? Yeah. I'm ready. And smile. This Ajo is quite cool, huh? Cool? Wo PTA president. Usne mujhe mommy group pe add kiya hai. Baby, leave it now. I've been missing you. Just leave. तुम्हें पता है? If we don't make our kids listen to Bach and Beethoven when they are babies, हम उनके ग्रोथ को स्टंट कर रहे हैं। ये किसने कहा? See, there's a meme. Baby, leave it. This mommy group is just too much. हर किसी के पास motherhood का मंत्र है। You're a less baby, हाँ? ये तो हमारा सपना था ना? Yes, to get away from everyone. मम्मी जी एंड पापा जी एंड ननन जी एंड पड़ोसन जी एंड द एंटायर मोहल्ला जी एंड लिव लाइक अ मॉडर्न कपल बस यू मी एंड बच्चे बेबी मेरा 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 लुक एट मी अभी होमवर्क का ग्रुप क्या है मीरा निकी हैज अ साइंस प्रोजेक्ट टुमारो ही हैज टू मेक अ फुली बैटरी ऑपरेटेड सोलर सिस्टम बाय टुमारो मॉर्निंग निकी मीरा इट्स ओके इट विल बी डन बिना होमवर्क करके स्कूल जाओगे? नोट में लिख दीजिए कि आई वाज सिक. आई विल नॉट. आई वोंट लेट दोज मॉम्स जज मी अगेन.
Mom, I'm seriously mental. Nikhil, really don't worry. I managed it. It's quite simple. You know. तुम साइंटिस्ट हो, तुम ही कर लो ना. ये मेरे टाइप की साइंस नहीं है. बस मेरी सुबह 7 बजे मीटिंग है. सॉरी सुपर मॉम. हमारी ड्रीम टीम का क्या हुआ? मैं ड्रीम करता हूँ, तुम टीम कर लो ना. इट्स क्वाइट सिंपल रियली. निखिल उठाओ ये सब. चलो वाओ यार. कम ऑन पिक दिस अप. ओह हरी आप. I should have known better. Mothers बनते ही हम अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं. सोलर सिस्टम का सन होता है ना, हमारे बच्चे वैसे ही होते हैं और हम उनके आसपास घूमते हुए उनके सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में अपना वजूद खोती हुई मदर्स. मुझे लगता था कि पेरेंटिंग का मतलब ही अपने आप को डाउट करना है. नरिशमेंट हो या पनिशमेंट, किसी के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं. पर आज मैं ऐसी मदर से मिली जिन्होंने मदरहुड को फिगर आउट कर लिया था, जो परफेक्ट थी, जिनके लिए हारना तो क्या, सेकेंड आना भी ऑप्शन नहीं था. दे हैड इट ऑल टुगेदर. ओ तू उधर बैठी है, उधर चकना खत्म हो गया, चल थोड़े पापड़ और मूंगफली दे दे. कितना ड्रिंक करोगे? ये हर रोज की बात है, बच्चे हर रोज देख रहे हैं. बच्चे देखते तो देखने दे, खानदान की शान है हमारे. और मुंडे देखे तो सही कि पापा कैसे शेर हैं. चल अब खाना परोस. हेलो, फोटो देखी मैंने आपकी. शाइस्ता से मिलना है मुझे. कौन हो तुम? उर्मिला. जानती है ना अच्छे से आप मुझे. मिलवाएंगे नहीं मुझे मेरी बेटी से? अनुजा अंदर आओ. तुम जानते हो ना मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी फैमिली की इमेज परफेक्ट रहे. I know. Come in. तो क्या मैं अकेली हूँ जो रोज स्ट्रगल करती है? शायद नहीं. आई एम श्योर मेरी तरह और भी मदर्स हैं जिन्हें नहीं आता, जो गलतियां करती रहती है, जो परफेक्ट नहीं है, जो शुड और वुड के बीच झूलती हुई कंफ्यूज रहती है. तो ये मेरा ब्लॉग इज अ शाउट आउट टू ऑल दोज इम्परफेक्ट मॉम्स जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रही है, जिनके पास सारे जवाब नहीं है, जो खुद थोड़ी सी थकी, थोड़ी सी गिल्टी और थोड़ी सी थोड़ी मॉम्स है. ये ब्लॉग उन मॉम्स के लिए जो मेरी तरह मेंटल है. तो इस ब्लॉग के जरिए मैं शायद जवाब न दे पाऊं पर सवाल जरूर करूंगी. शायद जीत न पाऊं पर अपने फेलियर्स के जरिए आप लोगों को हंसा तो दूंगी. शायद परफेक्ट मॉम न बनूं पर अपने इनपरफेक्शन में ही सैटिस्फैक्शन ढूंढ लूंगी. सो हियर आई एम, अ सिंपल कंफ्यूज्ड मॉम. मेंटल क्योंकि ये मदरहुड नहीं है, दिस इज मेंटलहुड.